रेसलिंग में एक परंपरा बन गई है कि रेसलर्स चोट लगने के बावजूद भी खेलते रहते हैं ताकि वो मैच को खत्म कर सकें और फैंस को खुशी खुशी अपने घर भेज सकें। लेकिन जब WWE के कुछ टॉप मैचेस में हुई इंजरीज को ध्यान से देखा जाता है तब इस बात पर कई सवाल उठते हैं कि आखिर इस मैच को जारी क्यों रखा गया था। हालांकि ये काफी हिम्मत की बात है कि रेसलर्स चोट लगने के बाद भी लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी सेहत और शरीर को ठीक रखना WWE की सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस बात को नहीं टाला जा सकता कि इन 10 मैचेस को जल्द ही खत्म कर देना चाहिए था। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलेमिया पर जहां हम WWE के 10 ऐसे मैचेस की बात करेंगे जिन्हें रोक देना चाहिए था। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी नई वेबसाइट wrestlemia.com भी जरूर देखें। नंबर 10, मेवेन वर्सेस क्रिश्चियन। पैर टूटना किसी प्रो रेसलर को लगने वाली सबसे खराब चोट होती है और जब 2002 में स्मैकडाउन पर मेवेन की टांग क्रिश्चियन के खिलाफ एक मैच में टूट गई थी तब WWE ने मैच को जारी रखने का फैसला किया। अपनी YouTube सीरीज पर मेवेन ने उस मैच और चोट के बारे में बात करी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा, उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है, उस मूव को बेसबॉल स्लाइड कहते हैं। अब मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 17 सालों तक बेसबॉल खेला है, तो इसलिए ये बात कि मैंने एक बेसबॉल स्लाइड के दौरान अपनी टांग तोड़ ली, ये तो भगवान का एक मजाक ही लगता है। जब आप अपने एंकल पर चोट लगा लेते हैं तब आप जो भी करेंगे वो सब आपको दर्द देगा और मुझे अभी भी वो महसूस होता है। मेरी एंकल अभी भी सूजी हुई है। आप एक साथ बहुत सारे टेंडन्स और लिगामेंट्स फाड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मेरी हड्डी, दोनों हड्डी टूट गई थी। ये लगभग 6 से 10 हफ्तों में ठीक होगा, लेकिन दिक्कत ये नहीं थी, एंकल के लिगामेंट्स और टेंडन्स को आपने कितना नुकसान पहुंचाया है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चोट लगी है और आप कितने समय तक के लिए बाहर रहने वाले हैं। इसके बाद मेवेन ने इस मैच में क्रिश्चियन की बहुत तारीफ करी क्योंकि वो बार बार पूछते रहे कि मेवेन ठीक है या नहीं। वो यहाँ पर मेरे गर्दन पर जोर नहीं डाल रहे थे, लेकिन वो बस मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हें कितनी चोट लगी है, क्या तुम आगे लड़ सकते हो, क्या हमें मैच खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, ये जानते हुए कि विंस पर्दे के पीछे बैठे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये मैच खत्म ना करूं। नंबर 9, ट्रिपल एच एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस क्रिस बेनवा एंड क्रिस जेरिको। ट्रिपल एच का पूरा करियर ही चोट के साथ काम करते करते बना है। 2001 में ट्रिपल एच अपने करियर के शिखर पर थे और इस दौरान वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ कंपनी के टॉप हील टैग टीम का हिस्सा थे और रॉ पर इन दोनों का सामना क्रिस जेरिको और क्रिस बेनवा से हुआ था। ये मैच जो रॉ के इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचेस में से एक है, इसके दौरान ट्रिपल एच की क्वाड मसल फट गई। बिना किसी शक के उसी वक्त इस मैच को बंद कर देना चाहिए था या कम से कम ट्रिपल एच को मेडिकल जांच के लिए बाहर ले जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि ट्रिपल एच ने उस चोट के साथ भी किसी तरह से ये मैच खत्म कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्लान किया गया था। बिल्कुल ऐसे ही हालात 2007 में भी बने थे जब ट्रिपल एच ने एक टैग मैच के दौरान अपना क्वाड चोटिल कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से इस WWE के लेजेंड ने बिना रुके अपना मैच जारी रखा। नंबर 8, TLC 4। पिछले 10 सालों में कंकशन पर हुई कुछ नई रिसर्च की वजह से WWE अब इसको गंभीरता से लेने लगा है और अगर किसी रेसलर को खतरनाक ढंग से कंकशन हो जाता है तब उन्हें रिंग से कुछ समय तक बाहर ही रखा जाता है। 2002 में TLC 4 के दौरान बबा रे डडली को एक गंभीर कंकशन हुआ था जब क्रिस जेरिको ने उन्हें एक लैडर के ऊपर से बुलडॉग मार दिया था। वो चोट इतनी गंभीर थी कि बबा को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है और जेरिको को उन्हें मैच के हर स्टेप पर आगे क्या करना है वो बताना पड़ रहा था। अगर ऐसा कुछ आज के WWE में हुआ होता तो बाबा को तुरंत ही मैच से बाहर कर दिया जाता। अच्छी बात ये रही कि जेरिको की सूझबूझ और प्रोफेशनलिज्म यहाँ पूरी तरह से काम आई, नहीं तो उनकी मदद के बिना बाबा खुद को बहुत बुरी तरह से घायल भी कर सकते थे। नंबर 7, कर्ट एंगल वर्सेस शेन मैकमैन। शेन मैकमैन और कर्ट एंगल का सामना अब तक के सबसे खतरनाक स्ट्रीट फाइट मैचेस में से एक में 2001 के किंग ऑफ द रिंग इवेंट में हुआ। इस मैच में एंगल मैकमैन को ग्लास के एक पैनल के आर पार सुप्लेक्स देने वाले थे और ये ग्लास असली ना होकर शुगर ग्लास होने वाला था, लेकिन किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने शुगर ग्लास की जगह उन पैनल्स में प्लेक्सी ग्लास लगा दिया। इसकी वजह से मैकमैन बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और उस हादसे को देखकर खुद विंस मैकमैन ही उस मैच को बंद करने वाले थे क्योंकि उनसे वो सब देखा नहीं जा रहा था। नंबर 6, दी अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग। 2019 के सुपर शोडाउन में अंडरटेकर और गोल्डबर्ग के मैच को लेकर सभी चिंता में थे कि ये मैच ज्यादा खास नहीं होने वाला। दोनों रेसलर्स लेजेंड्स होने के बावजूद भी अपने सबसे अच्छे दौर को काफी पीछे छोड़ चुके थे और अगर इस मैच को अच्छा बनाना था तो इसको छोटा और मजेदार बनाने की जरूरत थी। बदकिस्मती से गोल्डबर्ग ने मैच के दौरान खुद को ही चोट पहुंचा लिया और ये मैच बिल्कुल खराब हो गया था। जैसे ही रेफरी को पता चला कि गोल्डबर्ग ने खुद को ही चोट पहुंचा ली है, उस मैच को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आगे जो हुआ वो देखने में और भी बुरा था। ये मैच पूरी तरह से गलत मूव से भरा हुआ था और ये एक चौंकाने वाली बात थी कि दोनों रेसलर्स इस मैच के बाद भी जिंदा थे।
थे, क्योंकि उन दोनों को ही मैच के दौरान कई बार सर के बल गिराया गया था। गोल्डबर्ग ने ट्विटर पर बताया कि भले ही उन्हें सर में चोट लग गई थी, लेकिन उनका मानना था कि वो मैच खत्म कर सकते थे। मैंने खुद को सर में चोट लगा लिया था और मुझे लगता था मैं फिर भी लड़ सकता हूँ। मुझे मेरे फैंस से प्यार है, आज मैंने उन्हें निराश किया। बाकी जिसको भी इससे खुशी मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे। जब भी इस मैच की बात आती है तो दोनों ही रेसलर्स इस फैसले की गलती मानते हैं, और अच्छी बात यह है कि WWE ने अपना सबक सीख लिया है, क्योंकि उस मैच के बाद से WWE इन दोनों रेसलर्स का केवल उन रेसलर्स के साथ ही मैच रखते हैं जो एक बेहतर मैच करने में इनकी मदद कर सके और इससे भी ज्यादा इनको सुरक्षित भी रख सके। नंबर 5, एडी गुरेरो वर्सेस JBL। 2004 में WWE ने अपने इतिहास के सबसे खूनी मैचेस में से एक को पेश किया, जब एडी गुरेरो ने जजमेंट डे पे पर व्यू में JBL के खिलाफ अपना WWE टाइटल डिफेंड किया था। ये वही मैच था जिसमें गुरेरो ने सबसे खतरनाक ब्लेड जॉब किया था, क्योंकि उन्होंने खुद को ब्लेड से कुछ ज्यादा ही गहरा काट लिया था और ऐसा करते वक्त उन्होंने अपनी एक बड़ी नस काट ली थी। इस मैच में जितना खून खराबा दिख रहा था उतना आज तक कभी WWE प्रोग्रामिंग पर नहीं देखा गया था। यहाँ पर हर जगह खून फैला हुआ था। हालांकि ये मैच यादगार था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि गुरेरो का खून बहुत तेजी से बह रहा था और उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी। नंबर 4, द रॉक वर्सेस कर्ट एंगल वर्सेस ट्रिपल एच। समर स्लैम 2000 के मेन इवेंट में WWE टाइटल के लिए द रॉक, कर्ट एंगल और ट्रिपल एच के बीच एक मैच हुआ था। ये मैच एक गंभीर चोट के लिए बदनाम है जो इस मैच के दौरान एंगल को लगी थी, और उस चोट के बाद इस मैच से एंगल को तुरंत ही हटा दिया जाना चाहिए था। ये चोट तब लगी जब ट्रिपल एच ने अनाउंस टेबल के ऊपर से एंगल को एक पेडिग्री मारी, और दिक्कत ये हुई कि वो टेबल पहले ही टूट गया, जिसकी वजह से एंगल का सर सीधे जमीन पर जाकर लगा। एंगल बेहोश हो गए, और हालांकि WWE स्क्रिप्ट के मुताबिक ही उन्हें बैकस्टेज लेकर चली गई थी, लेकिन किसी तरह से वो वापस बाहर आ गए और उन्होंने मैच को खत्म किया। लोगन पॉल के पॉडकास्ट पर WWE क्रिएटिव के हेड ट्रिपल एच ने ये कबूल किया कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ कहानी बिगड़ जाती है, क्योंकि अब हमें कंकशन और बाकी चीजों के बारे में पता है। ऐसा कुछ कभी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें उस वक्त ये नहीं पता था। लेकिन कर्ट बैकस्टेज चले गए, अब सिर्फ मैं और रॉक ही लड़ रहे हैं, और फिर बीच में हमें रेफरी के जरिए पीछे की खबर मिल रही है, और फिर आखिरकार वो अर्ल हेबनर थे। मैंने अर्ल से कहा, अर्ल मुझे कुछ मत बताओ। बहुत सारी गालियों के साथ वो पीछे से जो कुछ कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक बात जाननी है, मुझे बस बताओ कि क्या वो वापस आ रहा है, अगर उसे पता है कि वो कहाँ है, बस मुझे बस यही जानना है, और मुझे बताओ कब। हम तब तक बस मैच जारी रखेंगे जब तक मुझे कोई बता नहीं देता कि वो बाहर आ सकता है या नहीं, उसके बाद मैं फिनिश के बारे में सोचूंगा। नंबर 3, द अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड। हर रेसलिंग फैन को वो सीन याद होगा जब मैनकाइंड को हेल इन अ सेल के ऊपर से द अंडरटेकर ने फेंक दिया था, लेकिन ढंग से सोचने के बाद ऐसा लगता है कि इस मैच को वहीं खत्म कर देना चाहिए था। वो धक्का इतना मशहूर हो चुका था कि अगर मैनकाइंड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WWE उस मैच को वहीं खत्म कर देती तो शायद उन्हें कोई आलोचना नहीं मिलती। अगर उस मैच को रोक दिया जाता तो मैनकाइंड WWE के इतिहास के सबसे डरावने और अनस्क्रिप्टेड स्पॉट से बच सकते थे। जब अंडरटेकर ने मैनकाइंड को सेल की छत को तोड़ते हुए चोक स्लैम दिया था, तब उस छत को टूटना नहीं चाहिए था, और मैनकाइंड के मुताबिक वो इतनी बुरी तरह से गिरे थे कि वो वहाँ मर भी सकते थे। नंबर 2, सर्वाइवर सीरीज 2002 एलिमिनेशन चैम्बर। 2002 के सर्वाइवर सीरीज में सबसे पहला एलिमिनेशन चैम्बर हुआ था, और ट्रिपल एच को इसमें इतनी गंभीर चोट लग गई थी कि उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इस मैच के एक फेमस स्पॉट में रॉब वैन डैम ने चैम्बर के ऊपर से ट्रिपल एच के ऊपर एक 5-स्टार फ्रॉग स्प्लैश किया था। बदकिस्मती से ये मूव वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था, और RVD का पैर ट्रिपल एच के गले पर जाकर लगा। जिस तरह से ट्रिपल एच तड़प रहे थे वो कोई एक्टिंग नहीं थी, बल्कि वो सच में बहुत दर्द में थे। ट्रिपल एच के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और ऐसा भी हो सकता था कि वो उस मैच के दौरान मर भी सकते थे। उस मैच को वहीं रोक देना चाहिए था ताकि ट्रिपल एच की जांच करी जा सके, और WWE के पास इतने अच्छे रेसलर्स थे जिससे वो एक नया फिनिश तुरंत बना सकते थे। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अंडरटेकर। जब WWE रेसलमेनिया 30 तक पहुंच गई तो ये सबको पता था कि दी अंडरटेकर का रेसलमेनिया में एक ऑल टाइम क्लासिक मैच होने वाला था, लेकिन उस रेसलमेनिया तक दी अंडरटेकर की उम्र का असर उन पर दिखने लगा था। ब्रॉक लेसनर के साथ इस मैच की शुरुआत में ही अंडरटेकर को एक कंकशन हो गया था, और ये पहली बार देखने से समझ नहीं आया था, क्योंकि ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अंडरटेकर बस एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो कंकशन बहुत गंभीर था। ब्रोकन स्कल सेशन में एक अपेयरेंस के दौरान द डेड मैन ने इस बारे में बात करी कि वो कंकशन कितना गंभीर था। पहले 5 मिनट के अंदर ही मुझे कंकशन हो गया था, मुझे वो रात याद भी नहीं। मैंने अब उसे वापस देख लिया है और अब मुझे पता है। मुझे आखिर में बस इतना याद है कि दोपहर के लगभग 3:30 बजे हुए थे जब मेरी पत्नी बैकस्टेज आई थी और हमारी बात हुई थी। मुझे उस दिन के बारे में बस यही आखिरी बात याद है।
अपने करियर के इस पॉइंट पर मेरे तैयार होने का प्रोसेस बहुत लंबा है, स्ट्रेचिंग से लेकर डॉक्टर्स को दिखाना और हर वो चीज करना जिससे मैं मैच के लिए तैयार हो सकूं। 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे का प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है। मेरी याददाश्त वापस आती है सुबह के 4:30 से 5 बजे जब मैं एक हॉस्पिटल में था। हालांकि अंडरटेकर की चोट से ये सवाल जरूर उठते हैं कि WWE ने इस मैच को वहीं क्यों नहीं रोका। द अंडरटेकर की द जो रोगन एक्सपीरियंस में अपीयरेंस के दौरान ये सामने आया कि द अंडरटेकर उस मैच में एक टूटी हुई गर्दन के साथ गए थे, जिसकी वजह से अगर WWE उस समय उनकी जांच कराती तो उन्हें मैच करने की इजाजत नहीं दी जाती। वो डॉक्टर्स मुझे वापस ले जाते। मेरी पत्नी मिशेल मैकूल और विंस मैकमैन वेटिंग रूम में थे। वो बाहर आए और ये बिल्कुल पहले जैसा ही था। उन डॉक्टर्स ने कहा, ठीक है, इनकी गर्दन टूटी है और अब हमें इनका एक और स्कैन करना है। जाहिर है मेरी पत्नी इस वक्त बहुत परेशान हो रही थी। हमें पता चला कि उन्होंने स्कैन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा था। वो एक पुरानी चोट थी जो मुझे पता ही नहीं थी कि मुझे लगी है। मुझे कभी नहीं पता था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे WWE मैचेस जिन्हें रोक दिया जाना चाहिए था। वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं विंस मैकमैन के चहेते रेसलर्स कौन हैं और किन रेसलर्स से वो नफरत करते हैं? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कॉन्टेंट के साथ।